कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीलोम का थर्ड टाइप यू सीलोम में डिस्कस करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं, यू सीलोम के नीचे मैंने ब्रेक करके अंडरलाइन की हुई है। तो यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। और सीलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। तो वो एनिमल जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो यूसीलोमेट कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये आउटर एक्टोडर्म और ये है ये मेसोडर्म, ये एक लाइन मेसोडर्म और एक ये लाइन मेसोडर्म, और ये है एंडोडर्म और ये है हमारी डाइजेस्टिव कैविटी। तो सीलोम की डेफिनेशन क्या थी? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम। वॉल की और जो गट वॉल की जो स्पेस है उसे हम सीलोम बोलते हैं। ठीक है, ये फैक्टर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि बॉडी वॉल की लाइन और गट वॉल की लाइन दोनों मेसोडर्म से लाइंड होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या वो है? हाँ, ये भी मेसोडर्म और हाँ ठीक है। एक सेकेंड फैक्टर जो था मेसोडर्म वाला वो भी यहाँ पे फिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ट्रू सीलोम होंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेस भी है और दूसरा बॉडी वॉल और गट वॉल की जो लाइन है वो मेसोडर्म से लाइंड है और ये हमारी डाइजेस्टिव कैविटी। तो इन्हें हम बोलते हैं हम सीलोमेट। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, द ट्रू सीलोम इज अ बॉडी कैविटी which arises as a cavity which arises as a cavity in embryonic mesoderm embryonic mesoderm। ठीक है, तो ये होता है। अब जैसे मैं एक छोटे से फिगर से बताती हूँ एक चीज और आपको। जैसे ये है गई यहाँ पे, जैसे ये हो गई हमारी सीलोम। ठीक है, ये है सीलोम। ठीक है, और जो सीलोम को जो एक लाइन कवर कर रही है इसे हम बोलते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। सीलोमिक एपिथेलियम या इसका दूसरा नाम होता है पेरिटोनियम और पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये जो सीलोम है ना, इसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड जो कि कौन सिक्रीट करती है? पेरिटोनियम। ठीक है, अब मैं इतना सारा आपको लिखवाऊं तो आपका बोर्ड तो है नहीं, और वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप फिगर से चीज़ों को याद रखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे आपको। ठीक है, वैसे लिखवाने को जो एम्ब्रियो की जो मेसोडर्म होती है एक सेलुलर लाइन प्रोवाइड करती है जिसे हम सीलोमिक एपिथेलियम बोलते हैं या पेरिटोनियम बोलते हैं। सीलोम में सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है जो कि पेरिटोनियम सिक्रीट करती है। यहाँ पे लिख लीजिए, सीलोमिक फ्लूइड सिक्रीटेड बाय पेरिटोनियम। और ये सीलोमिक फ्लूइड जो होता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। यहां पे लिख लीजिए, वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये एक इधर आपका काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यू सीलोमेट में जो होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं साइजोसीलोम और एक होते हैं एंटेरोसीलोम। यहाँ पे लिखिए टू टाइप्स। टू टाइप्स की यू सीलोम होती है। एक होते हैं साइजो, कौन से? साइजोसीलोम, और एक होते हैं एंटीरोसीलोम। नाम से ये भी सब कुछ समझ आ जाएगा, आप बस मेरे शब्दों पर ध्यान देते रहिएगा और सीलोम आपका यूं ही तैयार हो जाएगा।
एक होते हैं साइजोसीलोम और एक होते हैं एंटीरोसीलोम, ठीक है। तो साइजोसीलोम में जो होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ मेसोडर्म से फॉर्म होती है, तो साइजोसीलोम में बस इतना लिख लीजिए स्प्लिटिंग अप ऑफ मेसोडर्म। स्प्लिटिंग अप ऑफ मेसोडर्म और साइजोसीलोम के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं फाइलम एनिलेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और फाइलम मोलस्का। ये साइजोसीलोम के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात अगर एंटीरोसीलोम की जाए तो एक बार आप बोलिए एंटीरोसीलोम, जब आप बोल रहे हैं ना एंटीरो तो आप बोल रहे हैं ना एंट्रॉन, एंटीरो से काफी सिमिलर है एंट्रॉन। यहाँ पे लिखिए वेन सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम एंट्रॉन और गट, तो हम बोलते हैं उसे एंटीरोसीलोम। अब इसके एग्जांपल कैसे याद रखें, इससे याद रखिएगा एंटीरो तो एंट्रॉन, ठीक है, और साइजोसीलोम जो होती है उसमें मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जा रही थी। अब इसके एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, जब आप एंट्रॉन बोल रहे हैं तो आप याद कीजिए ऐसा कौन सा फाइलम है जिसका जो है ई से शुरू होता है फर्स्ट लेटर, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आप बोल रहे हैं ना एंट्रॉन इकाइनो, ठीक है, तो ये होते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फिर इसके बाद कौन सा फाइलम आता है, हेमिकॉर्डेटा। फिर हम पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेटा, फिर ये पूरा कॉर्डेट तक चली जाती है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं ये सब एंटीरोसीलिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, एंटीरोसीलिक एनिमल। ठीक है, ये होते हैं एंटीरोसीलिक एनिमल। तो यही हमारा यूसीलोम भी ख़त्म होता है। कैसा लगा बच्चों आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपका तुरंत डाउट सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी प्लान के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।